रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक हथियार डिपो से उसकी सेना को खदेड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जहां तक निगाह गई सिर्फ जंगी टैंक दिखाई दिए। कुछ की हालत खराब थी तो कुछ एकदम चमचमा रहे थे। बताया गया कि ये यूक्रेन का एक अहम हथियार डिपो था जहां टैंकों और जंगी गाड़ियों की मरम्मत का काम भी किया जाता था। इसी वजह से वहां इतने टैंक एक साथ मौजूद थे। इसके अलावा वहां भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ यही नहीं, वहां बड़े बड़े बक्सों में कई मिसाइलें भी मौजूद थी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने इस हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के एक रडार सिस्टम को भी हथिया लिया। वहीं रूस ने खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया जिसकी जानकारी खुद वहां के प्रशासन ने दी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने वहां के कई रिहायशी इलाके भी तबाह कर दिए और इन हमलों में खार्किव के कई लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा रूसी बमबारी ने ज्यादातर इमारतों को तहस नहस कर दिया जिसकी वजह से जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। कई इलाके तो पूरी तरह वीरान नजर आए। इन हमलों के बीच कुछ रिहायशी इलाकों में खाने पीने का सामान बांटा गया क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गोलीबारी से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला नजर आई जिनके बारे में बताया गया कि वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। यही नहीं, लोगों से मिलने पर उन्हें ये लगा कि जंग खत्म हो गई। हालांकि जब उन्हें सच्चाई बताई गई तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जेलेंस्की की सेना पस्त हो गई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में आने वाले डोनेस्क और लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज लगातार इन दोनों जगहों को अपने निशाने पर ले रही जिससे न सिर्फ वहां के लोगों का बल्कि दो महीने से ऊपर का वक्त बीत जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों का भी मनोबल गिरता दिखा। जो तस्वीरें बारिनकोवे से सामने आई उनमें यूक्रेन के कुछ फौजियों ने खेतों के बीचों बीच गिरे रूस के एक रॉकेट को दिखाया। उनका मानना है कि ये रूस की अपने बड़े हथियारों को इस तरह यूक्रेन की धरती पर भेजकर उन्हें धमकाने की साजिश है। यूक्रेन के उन सैनिकों ने रूस के हमले से खेतों के बीच मची तबाही के मंजर को दिखाया। उन्होंने वो टूटे फूटे ईंटों के मकान दिखाए जिनमें कभी लोग रहा करते थे, वो मकान जो कभी किसी के घर थे। सड़कों पर पसरे सन्नाटे ने भी जेलेंस्की के जवानों को पस्त करके रख दिया।